हेलो दोस्तों, आज मैं मॉडल केन और मे का यूज करना सिखाऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको केन और मे का पूरा यूज करना सिखा दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप केन और मे का यूज करना कभी भी नहीं भूलोगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। केन और मे का यूज हम तब करते जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे मे का चला सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं उसे पीट सकता हूँ, आज बारिश हो भी सकती है, आज बारिश नहीं भी हो सकती है। मतलब जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते आते हैं, वहाँ पर हम केन और मे का यूज करते हैं। तो केन हमेशा पक्के समय के लिए यूज करते हैं और मे हमेशा कच्चे समय के लिए यूज करते हैं। अब आप ये पूछोगे कि ये पक्का और कच्चा समय क्या होता है। तो पक्का समय वो समय होता है जिसमें हमें 100% विश्वास होता है कि हाँ ये काम हो सकता है, मतलब 100% श्योरिटी होती है, वहाँ पर केन लगेगा। और कच्चा समय वो समय होता है जहाँ पर हमें पूरा विश्वास नहीं होता, 50% श्योरिटी होती है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, मैंने हाँ कार बहुत चलाई है, मैं कार चला सकता हूँ, मैं उसे पीट सकता हूँ, हाँ मैंने उसे कई बार पीटा है, मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ा भी हूँ इसके पहले, मैं आ सकता हूँ, शायद कल मैं आ सकता हूँ अगर मेहमान नहीं आए तो। इसमें शायद मतलब 50% श्योरिटी कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बारिश हो सकती है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50% श्योरिटी है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार, इसमें 100% श्योरिटी है या नहीं है, ये कैसा पता चलेगा? तो मैं कार चला सकता हूँ, हाँ मैंने कार चलाई, मतलब एक कॉन्फिडेंस से या पूरे विश्वास से कह रहा कि हाँ मैं कार चला सकता हूँ, तो केन लगेगा, आई कैन ड्राइव द कार। मैं आ सकता हूँ, हाँ मैं आ सकता हूँ, कल मुझे कोई काम नहीं, मतलब 100% विश्वास है, श्योरिटी के साथ कह रहा है कि मैं कल आ सकता हूँ, तो आई कैन कम। अगर वो बोलता है मैं आ सकता हूँ लेकिन कल शायद मेहमान आ जाए तो नहीं आ सकता हूँ, मतलब 50% श्योरिटी है, तो इसमें मैं भी लग सकता, आई मैं कम। अरे भारत जीत सकता है, अभी तो धोनी बाकी है, अभी तो धोनी भी खेलेगा, भारत जीत सकता है, मतलब 100% श्योरिटी है कि भारत जीत सकता है। तो द इंडिया कैन विन, आज बारिश हो सकती है, अब बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब पूरा विश्वास नहीं है कि 50% श्योरिटी है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसमें हमेशा मे का ही यूज किया जाता है। तब जब भी बारिश की बात की जाती है तब मे ही लगता है, इट मे रेन टूडे। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिकतर केन और मे का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कैसे ही पूछ ले, तो वो पहले हमें रूल बता देते हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, और फिर हमें देते हैं कि यू ड्राइव द कार, और इसमें ऑप्शन होते हैं मे आएगा या केन आएगा। तो पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है तो इसमें हमें केन ही भरना पड़ेगा, तो यू कैन ड्राइव द कार, तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव द कार। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो कभी मिस ना कर पाए। तब तक के लिए।